हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक दिव। फ्रेंड्स, आज हम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हुई जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट नंबर जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप करने से पहले ये इसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और कमेंट भी आप हमें कीजिए तो ज़रूर एडवर्टीजमेंट लिखिए, ताकि हम आपको सही से रिप्लाई कर सकें। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए आया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 10 अक्टूबर रखी गई है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ITI कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, तो बेसिकली इसमें जो ITI कैंडिडेट एलिजिबल है उनका जो ट्रेड होना चाहिए वो फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक्स, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, डीजल मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट, पेंटर एंड सीट मेटल वर्कर जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और जो पीरियड है अप्रेंटिसशिप का वो 1 ईयर रखा गया है। और इसमें अप्रेंटिसशिप जब आप करेंगे तो आपको कुछ सैलरी भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की है वो 90 है। ध्यान रखिएगा 90 टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो लिंक दिख रहा है एक नंबर में, apprenticeship.gov.in पे, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। वहाँ से आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट होगा। देन जनरेट होने के बाद आप जो है NPCIL के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ सेक्शन होगा, उसको जो है आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ फॉर्म मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से भी आपको फॉर्म को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा किस तरह का फॉर्म है, कैसे उसे फिलअप करना है। तो इससे पहले ये ध्यान रख लीजिए, आपको जो है फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करने के बाद आपको ये जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर जो है आपको सेंड करना है। तो ये एड्रेस जो है आप नोट कर लीजिए। इसी एड्रेस पे जो है आपको 10 अक्टूबर से पहले आपको जो ऑफलाइन मोड फॉर्म है वो भेजना है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह का फॉर्म है। तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये क्राइटेरिया देख लीजिए कि एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो मैक्सिमम 24 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बाकी 5 साल रिलैक्सेशन SC ST और 3 साल जो है OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। और मिनिमम हाइट यहाँ पे मांगा है, तो 137 सेंटीमीटर जो है मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप के दौरान जो है आपको सैलरी वगैरह भी प्रोवाइड, स्टेटमेंट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कितना परसेंट, 90% जो है मिनिमम वेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका जो जॉब लोकेशन होगा वो महाराष्ट्र तारापुर न्यूक्लियर NPCIL प्लांट में होगा, ध्यान रखिएगा। और जिन कैंडिडेट ने पहले से ही कहीं से अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रखा है वो जो है इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 1 ईयर के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का फॉर्म है ये। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म है जिसे आपको फिलअप करना है अपने हाथों से। फिलअप करने के बाद जो एड्रेस मैंने दिखाया है उस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले क्या है, आपको जो है apprenticeship.gov.in पे रजिस्टर करना है। तो ध्यान रखिएगा रजिस्टर करने के लिए पहले आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर नंबर जनरेट होगा और इस फॉर्म को फिलअप करके आप जो है जो मैंने एड्रेस दिखाया है उस एड्रेस पे आप सेंड कर देंगे। तो ये देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पे डिक्लेरेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे 10th के सर्टिफिकेट, आपके आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और गैजेट ऑफिसर से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ आधार, ये सारी चीज़ जो है आपको इंक्लूज करना है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसमें जो NPCIL है उसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आया हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप करने के लिए सोचते होंगे क्या मतलब करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगा आपको यहाँ से, तो वहाँ से आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली वैकेंसी है, कह लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बेसिकली उन कैंडिडेट के लिए है जो ITI कर रखे हैं। बाकी डिप्लोमा के कैंडिडेट और अदर्स जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।